नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है योग गुरु बाबा रामदेव जी। जी हां, बाबा रामदेव जी थाने शहर में अपना योग शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की उपस्थिति होने वाली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो शिविर के आयोजक हैं राकेश मोदी जी, उनसे हम जानेंगे कि ये योग शिविर के बारे में उनका मकसद क्या है कराने के पीछे और किस तरह का आयोजन है ये। राकेश जी, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे जो बाबा रामदेव जी का जो योग शिविर जो होने जा रहा है, जो कल शिविर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों आपने यहाँ पर योग का शिविर लगाने के ये सोचा? पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और पतंजलि महिला समिति मुंबई व चंद्र कुमार जाजोदी जी और राकेश मोदी, महेश जोशी और सुरेंद्र शर्मा आयोजक द्वारा ये योग शिविर का कार्यक्रम हमने कल सुबह 5 से 7:30 बजे हाईलैंड ग्राउंड पर रखा गया है। जी श्याम जी, योग शिविर का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि बाबा जी का इसके पहले 2016 में स्टेडियम में हमने एक योग शिविर का प्रोग्राम लिया था और उसमें तकरीबन 40,000 लोग शामिल हुए थे योग शिविर के प्रोग्राम में। तब से हर साल हम लोगों ने लोगों को बोला था कि कोशिश करके बाबा जी का योग शिविर हर बार थाना में साल में एक बार योग शिविर करेंगे, लेकिन बाबा जी की व्यस्तता और बीच में कोरोना का 2 साल का समय चला गया, उसके बाद से निरंतर थाने की जनता, योग करने वाले योग प्रेमी और बाबा के चाहने वाले लोग हमेशा हमसे संपर्क करते थे कि बाबा श्री योग ऋषि रामदेव बाबा जी को थाना में लेके आइए। और उसी चीज़ को देखते हुए कोरोना के बाद से मेन उद्देश्य से आज लोगों का जो स्ट्रेस भरा जीवन है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले और इन्होंने सबने हमसे कहा कि बाबा जी का एक शिविर करना चाहिए। उसी उद्देश्य से पिछले 3 महीने से हम लोग बाबा जी के पीछे पड़े हुए थे कि थाना के लिए एक दिन का योग शिविर दीजिए। तो आचार्य देवप्रिया जी जो है उनका पहले महिला सम्मेलन करने का थाना में प्रोग्राम फिक्स हुआ था, उसके लिए काशीनाथ घानेकर हॉल में पहले हम लोगों ने महिला सम्मेलन करने की सोची थी। उसी बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी से भी किया कि बाबा जी को एक बार हम लोग थाना में लेके आएँ और योग शिविर का एक आयोजन करें। तो उसी बीच में फिर चंद्र कुमार जाजोदिया जी के अथक प्रयत्नों के कारण बाबा जी का जयपुर और ये सब प्रोग्राम रहते हुए बीच में हमने बाबा जी से गुजारिश करके एक दिन का समय निकाल के ये एक शिविर का प्रोग्राम थाना में कर रहे हैं और बाबा और इसमें हम लोगों को सफलता मिली। बाबा जी आज थाने मुंबई में उनका आगमन हो चुका है, अभी सह्याद्री पे CM साहब के पास मिलने गए हुए हैं। शाम को 5 बजे उनका थाने में आनंद नगर चेकनाका पे आगमन हो रहा है। असंख्य कार्यकर्ता के साथ हम बाबा जी का जोरदार स्वागत आनंद नगर चेकनाका पे करेंगे। उसके बाद में वो थाना में आज रात का उनका विश्राम है, कुछ विशिष्ट अतिथियों के साथ में उनकी शाम को चर्चा और भोजन का प्रोग्राम रखा गया है। और कल सुबह 5 से 7:30 हाईलैंड ग्राउंड पे योग शिविर जो आस्था चैनल के माध्यम से 133 देशों में लाइव टेलीकास्ट होता है और फिर 8 बजे से लेकर 8:50 तक इंडिया TV का लाइव प्रोग्राम प्रसारण भी वहीं पर होगा और 9:30 से लेकर 1 बजे के बीच में योग शिविर का आयोजन है, जिसमें योग शिविर में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट है और महिला सम्मेलन में लता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी की मिसेज और वैशाली श्रीकांत शिंदे जी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राकेश जी, क्या लगता है कि आप आज की तारीख में योग का कितना ज़रूरत पड़ गई है लोगों को, क्योंकि आज की भागदौड़ में लोग जो है योग कर नहीं पाते हैं और ऐसे में योग करना कितना ज़रूरी पड़ गया है? योग करना, मैं बोलता हूँ, जितना इंसान को जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है उतना ही आज के जीवन में इंसान को योग करना ज़रूरी है। आज एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, ये सब चीज़ में इंसान जब बीमार होता है तो उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं, लेकिन योग ऐसी चीज़ है कि अगर योग करोगे तो बीमारी नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप योग करोगे तो बीमार पड़ोगे नहीं। इसके लिए बाबा जी का नारा है, करो योग रहो निरोग। तो जो जीवन में योग करेगा, प्राणायाम करेगा, कपालभाति करेगा, अनुलोम विलोम करेगा, वो सारी बीमारियों से दूर रह के एक इंसान की 100 साल की उम्र रहती है, वो 100 साल की उम्र पा सकता है। लेकिन हम हमारी गलतियों के कारण, हमारे जीवन में आज हमारे लिए हर चीज़ के लिए समय, लेकिन जो शरीर है उसके लिए आज हमारे पास समय नहीं है। अगर थोड़ा सा समय हम अपने शरीर के लिए देंगे, रोज़ सुबह अगर 1 घंटा योग करेंगे तो वो इंसान जीवन भर निरोगी रहेगा। आज दिखा तो यंग पीढ़ी में ही, मतलब 25 साल के युवक, 15 साल के युवक के अंदर भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां
दिखने को मिल रही है और उसमें मौत भी हो रही है। तो लेकिन यंग युवा जो है वो योग की तरफ अभी तक दूरी दिख रहा है। इतना जब भी योग शिविर में जाते हैं देखते हैं ज़्यादा करके वरिष्ठ नागरिक मिडिल एज के नागरिक यही लोग दिखते हैं, लेकिन युवा जो है युवा को कैसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्या लगता है कितनी ज़रूरत है युवाओं को? युवाओं में योग ज़्यादा आकर्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है हम लोग हमारे से अनुभव ले लेते हैं। जब हम लोग युवा वर्ग में थे तो हम लोग ये सोचते थे कि हमको क्या होएगा, हमको कुछ नहीं होएगा। इंसान जब पैदा होता है ना तो ये कभी सोचता ही नहीं कि एक दिन उसको मरना है जी। आप श्याम जी एक सोचिए, कोरोना के पहले कोई इंसान को कभी लगा था कि मौत इतने नज़दीक है? जी बिल्कुल नहीं। कोरोना के बाद में हर इंसान को समझ में आ गया कि इंसान का जो फ्यूज़ है वो ऊपर वाले के हाथ में जी। वो कब स्विच ऑन हो जाए और स्विच ऑफ हो जाए इसकी किसी को जानकारी नहीं। लेकिन कोरोना के बाद से मुझे एक चीज़ समझ में आई है, अब लोगों में हेल्थ के प्रति उत्साह बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हम लोगों को 9 तारीख को बाबा जी ने योग शिविर का परमिशन दिया और 9 तारीख से लेकर आज 25 तारीख मतलब 15 दिन की हमने तैयारी की, आज की तारीख में हमारे संगठन युवा, अभी युवाओं का आप बोलते नहीं, अभी सिद्धार्थ पांडे, नितिन लांडगे, आशुतोष पांडे, ये हमारे युवा नेतृत्व, और ये युवा नेतृत्व ने बल्कि जितने बुजुर्गों ने इसमें काम किया उससे ज़्यादा हमारे युवा नेतृत्व ने काम किया थाना में, और घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार करके आज हमारे पास ये टारगेट है कि अभी तक हमको ये कन्फर्मेशन है कि 20 से 25 हज़ार लोग कल युवा में आएंगे। कल थाने में योग शिविर के माध्यम से एक इतिहास रचा जाएगा और जितनी भी आज तक भीड़ का उच्चांक है वो सब कल के उसमें पार होने वाला है, ये हमारा मेरी सोच है। धन्यवाद राकेश जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि योग गुरु बाबा रामदेव जी के जो शिविर के बारे में, कल जो है ठाणे शहर में जो है हाईलैंड ग्राउंड में बाबा रामदेव का योग शिविर होने जा रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आप जो है योग का लाभ लीजिए, और जो नज़दीक के हमारे व्यूवर्स हैं वो जो है ठाणे में आकर जो है बाबा रामदेव के साक्षात जो है योग की शिक्षा पा सकते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद राकेश जी। थैंक यू। धन्यवाद।